अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे चिकन स्टिक, इसे चिकन कांडी भी कहते हैं। ये रमज़ान के मौक़ों पे हर जगह बाज़ारों में बेचा जाता है, इसे लोग बड़े शौक से ख़रीद के खाते हैं। आज हम थोड़े से मसालों में इसे घर में तैयार करेंगे। आप अफ्तार में इसे बनाइए और घर वालों की तारीफ़ पाइए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, चलो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा किलो का बोनलेस पीस ले लिया है, उसके 1 इंच के टुकड़े कर लिए थे और अच्छी तरह धो के छान लिया है। अब हम एक पेस्ट तैयार करेंगे जिसमें हमने मुट्ठी भर हरा धनिया ले लिया है और 9 से 10 हरी मिर्च ले ली है। आप जितना तेज़ खाते हैं वो हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको थोड़े से पानी में डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 2 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दिया है, वाइट विनेगर। अब पिसा हुआ हरे धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। हमें बहुत कम पानी में इस पेस्ट को तैयार करना है। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें नमक मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर ले लिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ले लिया 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ले लिया 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ले लिया 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर हमने ले लिया 1 टीस्पून। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, नमक ले लिया 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर ले लिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ले लिया 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ले लिया 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। सबको डाल के हम अच्छी तरह मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप इसे फ़ौरन मैरिनेट करके मत बनाइएगा, बिल्कुल खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। ये जितने देर मैरिनेट होता है उतना ही खाने में टेस्टी लगता है। आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए टाइम दीजिए। चिकन मैरिनेट होके 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसे हम एक मरतबा वापस से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन की स्टिक लेके इसे मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगा दिया था। अब इसमें हम 3-3 पीस लगाएंगे। इसी तरह हमें सारे स्टिक तैयार करनी है। अब हमने सारे स्टिक तैयार कर ली है। अब ब्रेड क्रम्स लेंगे और एक एक स्टिक उठा के उसमें अच्छी तरह हम कोट करेंगे दबा दबा के। इसमें अंडे की कोटिंग ऊपर से आती है और ब्रेड की कोटिंग पहले आती है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह हमें सारी स्टिक तैयार करनी है। अब हमने सारी स्टिक तैयार कर ली है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने 2 अंडे ले लिए हैं। इसमें 1/2 चम्मच से कम नमक डाल देंगे, 2 चुटकी के बराबर नमक डालना है हमें। अब इसमें फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, इससे लेकिन स्टिक में बहुत प्यारा सा कलर आता है। अब हमने गैस पे तेल रख दिया है गरम होने के लिए। अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब एक एक स्टिक को हम अंडे में डिप करेंगे। और तेल में डालते जाएंगे। हमें अच्छी तरह से अंडों में डिप करना है। गैस की आंच को हम मीडियम रखेंगे, तेज़ आंच में हमें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम हीट पे करना है। 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं। हमें उलट पुलट करके अच्छी तरह फ्राई करना है। बाकी पीस को हमने एक डिब्बे में बॉक्स में रख दिया है, इसे हम फ्रीज कर देंगे। आप इसे बना के फ्रीज कर सकते हैं और रमज़ान में बना के फ्रीज कर दें, और जब दिल चाहे निकालें, अंडों में डिप करें और फ्राई कर लें।
ये खाने में बहुत ही ज़ायकेदार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे मैंने दही वाली चटनी के साथ और नींबू के साथ सर्व किया है। मेरी इस चटनी की रेसिपी आपको मेरे चरगा बोटी के रेसिपी पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है ये रेसिपी। इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप इसे बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये खाने में वाकई बहुत मज़े का होता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।